हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल व्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं ऑल न्यू यामाहा MT15 का 2021 वेरिएंट का फाइनेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे इस बाइक के फाइनेंस स्कीम को लेकर। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी आप जानते होंगे कुछ टाइम पहले इस बाइक का जो है वो प्राइजेज इंक्रीज़ हुआ था, और अभी फ्रेंड्स रिसेंटली 2-4 दिन 5 दिन पहले इस बाइक का जो है वो प्राइजेज यहाँ पर फिर से इंक्रीज़ हो गया है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको फुल फाइनेंस डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कितना आपको इसके लिए डाउन पेमेंट करना पड़ेगा मिनिमम, क्या फ्रेंड्स आपसे इंटरेस्ट रेट वगैरह कंपनीज जो है वो चार्ज करेगी, क्या फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह क्या लगने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप बाइक फाइनेंस करवाने के लिए जाते हैं तो शोरूम पर लोग जाकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज अवेलेबल होती है फाइनेंस की, और सभी का जो है वो प्रोसेस अलग अलग होता है यहाँ पे। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पर कि आप फाइनेंस स्कीम जो है वो जान लें। आप किसी भी बाइक को परचेस करने का सोच रहे हैं, फाइनेंस के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बाइक का जो प्राइजेज है वो भी काफ़ी हायर साइड पे चला गया है। स्पेशली देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये सब सेगमेंट की जो बाइक्स है इनका जो प्राइजेज है अभी रिसेंटली इधर अगर आप देखते हैं 6 से 7 महीने के अंदर में, मतलब BS6 मॉडल स्टार्ट हुआ है उस टाइम से ही जो प्राइजेज बढ़ना चालू हुआ है, अभी तक प्राइजेज इंक्रीज हो ही रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब बात को हम साइड में रखकर सबसे पहले इस बाइक के जो है वो प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पे 3 से 4 वेरिएंट्स मिल जाता है, और सभी वेरिएंट्स में लगभग मैं यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे रहता नहीं है, क्योंकि फीचर सभी मॉडल्स में सेम है, बस कलर ऑप्शंस का ही कंपनी प्राइस ऊपर नीचे करती है। तो अभी जो हम इसका मतलब टॉप मॉडल का फाइनेंस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका कि ऑन रोड प्राइसिंग आपको लगभग मैं 1,70,000 से 75,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। ऑन रोड जो प्राइसिंग है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है आपके एरिया में, क्योंकि वहाँ के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस थोड़े अलग हो सकते हैं, बट अप्रॉक्स में 1,75,000 रुपीज़ के आसपास में इसका टॉप मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका कि नाम कंपनी ने रखा है क्रिएट योर ओन वॉरियर, जो कि अभी आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। ये फ्रेंड्स जो कलर ऑप्शन है ये क्रिएट योर ओन वॉरियर वाला कलर ऑप्शन है, जिसमें कि आप व्हील्स का कलर और बॉडी का कलर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो 1,75,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में फ्रेंड्स आपको 30% के लगभग में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑफर्स के टाइम पर फ्रेंड्स ऐसे भी ऑफर चल रहे होते हैं जहां पे आपको 0% डाउन पेमेंट में भी बाइक्स मिल जाती है, और इससे भी कम लो डाउन पेमेंट भी आपको बाइक्स मिल सकती है, बट जनरली 30% का डाउन पेमेंट आपको करना ही पड़ता है बाइक्स लेने में। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप इसका 30% निकालेंगे तो लगभग में 50,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप 1,75,000 रुपीज़ में से 50,000 को माइनस कर देते हैं तो 1,25,000 रुपीज़ आपका लोन अमाउंट बचता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल जो है वो 3 स्कीम्स बताऊंगा, 24 मंथ्स का बताऊंगा, 12 मंथ्स का बताऊंगा और 36 मंथ्स का बताने वाला हूं। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्कीम के साथ आप जा सकते हैं जिससे कि आपका कुछ पैसा जो है वो सेव हो जाए, और सभी में जो लोन अमाउंट है वो सेम रहेगा 1,25,000 रुपीज़ का, क्योंकि सभी स्कीम्स में आपको डाउन पेमेंट जो है वो 50,000 के लगभग करना ही पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे क्या लिया जाएगा। प्रोसेसिंग चार्जेस आप बोल सकते हैं स्टैंपिंग चार्जेस या फाइल चार्जेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके लगभग में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये के लगभग में कंपनीज आपसे चार्ज कर सकती है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, काफ़ी सारी कंपनीज़ का अलग अलग भी होता है, बट अप्रॉक्स में आपको 2 से 3 हज़ार रुपये के लगभग में प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्रेंड्स 12-14% के बीच में आपसे चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी टाइम पे ऑफर चल रहे होते हैं जहाँ पे आपको 6.99 में भी जो है वो इंटरेस्ट देखने को मिलता है, बट वो जो ऑफर से वो ज़्यादातर फेस्टिवल सीजन में ही चल रहा होता है, और अभी रिसेंटली जल्दी फ्रेंड्स जो है वो दिवाली आने वाला है और धनतेरस वगैरह के टाइम पर काफ़ी सारे आपको ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़रूरी है कि आप अभी से ही जानकर रखें फाइनेंस स्कीम के बारे में। तो आप अभी अगर हम बेसिक लेकर चलते हैं तो लगभग में 12% को इंटरेस्ट रेट हम मानकर चलते हैं जो कि आपको पे करना पड़ेगा जनरली, तो 15,000 रुपीज़ के लगभग में आपका इंटरेस्ट रेट आता है 1,25,000 रुपीज़ का। तो अगर आप तीनों को प्लस कर देते हैं, मतलब आपका लोन अमाउंट 1,25,000 और 3,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्जेस और 15,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है 12 मंथ्स में वो आपको पे करना है 1,43,000 रुपीज़ का। तो अगर आप इसे 12 मंथ से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये 12 मंथ्स का स्कीम है, तो आपको मंथली लगभग में मतलब 11,900 रुपीज़ के अप्रॉक्स में पे करना पड़ेगा 12 मंथ्स के लिए। तो देखा जाए फ्रेंड्स, तो काफ़ी लोग जो है वो मतलब यहाँ पे 12,000 रुपीज़ के लगभग EMI नहीं भर पाते हैं, तो उनके लिए जो सेकंड स्कीम है वो बेस्ट रहने वाला है 24 मंथ्स का जो ऑप्शन है हमारे पास वो। तो 24 मंथ्स वाले ऑप्शन में भी लोन अमाउंट आपका सेम रहेगा 1,25,000 रुपीज़ का, प्रोसेसिंग चार्जेस सेम रहेगा 3,000 रुपीज़ का, इसमें जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ आपका बढ़ जाएगा। तो लगभग में आपको यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा 24 मंथ्स के लिए।
तो अगर हम टोटल प्लस कर देते हैं तो टोटल जो अमाउंट आपको पे करना है 24 मंथ्स में, वो पे करना है फ्रेंड्स आपको 1,58,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो अगर आप इसे 24 मंथ से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये 24 मंथ्स का स्कीम है, तो आपको मंथली लगभग में 6,500 रुपीज़ के अप्रॉक्स में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका मतलब ईएमआई है वो काफ़ी कम बना है, तो आप इस स्कीम के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो आपको इंटरेस्ट भी कम लग रहा है और ईएमआई भी आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है। तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम का, तो नेक्स्ट जो स्कीम रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रेंड 36 मंथ्स का। तो 36 मंथ्स वाले स्कीम में भी सेम रहेगा, लोन अमाउंट 1,25,000 रुपीज़ का, प्रोसेसिंग चार्जेस 3,000 का, बस इसमें जो आपका मतलब है इंटरेस्ट वो बढ़ जाएगा 45,000 रुपीज़ के लगभग में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 36 मंथ्स में। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर टोटल आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल जो अमाउंट निकल कर आता है वो आता है 1,73,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो अगर आप इसे 36 मंथ से डिवाइड करते हैं तो आपको मंथली यहाँ पे 4,800 रुपीज़ के अप्रॉक्स में जो है वो पे करना पड़ेगा मंथली 36 मंथ्स तक। तो ये हो गया फ्रेंड्स तीनों मंथ्स का मतलब, ये हो गया फ्रेंड्स तीनों ही फाइनेंस स्कीम 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स का। बात कर लेते हैं कि कौन से स्कीम के साथ आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप 18 मंथ्स का एक ऑप्शन आता है, आप उसे ले सकते हैं। उसमें जो है वो ईएमआई आपका लगभग में 8,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में जो है वो बनेगा, और उसमें आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा कम लगेगा और ईएमआई भी लगभग में 8,000 रुपीज़ के आसपास रहेगा। तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा नहीं है, आप उस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। ओवरऑल में अगर आप 24 मंथ्स वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो ये था फ्रेंड्स इस बाइक का न्यू प्राइसिंग और फाइनेंस स्कीम। होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।